नमस्कार दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन के पांचवें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जिग्नेश और आप देख रहे हैं सेल्फ एक्यूरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्डप्रेस इंटरफेस को समझा था और उसके बारे में जानने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी वेबसाइट को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे जो है अपने वेबसाइट पे नई थीम को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले थीम को हम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ से अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आपको क्लिक करने के बाद आपको थीम्स में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही थीम्स ओपन हो जाए यहाँ पर आपको कर देना है एड न्यू। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो है थीम्स अवेलेबल है, काफ़ी सारी फ्री थीम्स अवेलेबल है। आपको इसके लिए कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप जो है इस थीम का जो भी आप थीम चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम पॉपुलर पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी थीम्स जो है यहाँ पर शो होने लगेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी थीम्स जो है आ चुकी है। आप इनमें से कोई भी थीम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अभी जो थीम यूज़ करने वाला हूँ उसे मैं सर्च बॉक्स में टाइप कर लेता हूँ। जनरेट प्रेस नाम की थीम से अगर दोस्तों आपके पास कोई पर्टिकुलर थीम का नाम है तो आप सर्च बॉक्स में टाइप करके उसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरेट प्रेस की थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है काफ़ी सारी। मैं जो यहाँ से इंस्टॉल करने वाला हूँ वो जनरेट प्रेस की थीम्स है और यहाँ से आपको जस्ट कर देना है इंस्टॉल। आप चाहे तो कोई और भी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे कोई और भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से जस्ट कर देना है एक्टिव। तो दोस्तों, एक्टिव करने के बाद आप जो है फ्रंट एंड में अपनी वेबसाइट को एक्सेस करके देख सकते हैं कि आपने जो थीम इंस्टॉल की थी वो कैसी लगेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी हमने जो थीम को इंस्टॉल किया है वो फ़िलहाल ऐसी दिख रही है, लेकिन दोस्तों हम इसे कस्टमाइज़ करके एक अच्छी सी वेबसाइट जो है क्रिएट करेंगे। अब बारी आती है वेबसाइट की कस्टमाइजेशन की। जो थीम हमने इंस्टॉल की है उस पर हम कस्टमाइज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं कस्टमाइज़। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। साइट आइडेंटिटी, लेआउट, कलर्स, टाइपोग्राफी, जनरल मेन्यूज़ और काफ़ी सारे जो है पेजेस अवेलेबल है। यहाँ से हम जो है अपनी वेबसाइट को पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए हमारी वेबसाइट के लिए एक लोगो जो एक पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए हमारे पास एक लोगो होना चाहिए। तो दोस्तों, हम एक लोगो बनाने की कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जो है अपनी वेबसाइट के लिए एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, लोगो बनाने के लिए मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है जिसका नाम है canva.com, जहाँ से हम फ्री में लोगो को जो है बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोगो बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें कितनी साइज़ का जो है कितने पिक्सल का लोगो क्रिएट करना है। इसके लिए हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन ऑप्शन में और यहाँ से देख लेते हैं, साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट लोगो पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं उसकी साइज़ क्या है, उसका पिक्सल क्या है। तो 350x70 पिक्सल का जो है लोगो हमें क्रिएट करना है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने कैनवा वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ से यूज़ कस्टम डायमेंशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो है अपने पिक्सल की वैल्यू हाइट और विड्थ यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं डिज़ाइन पे। दोस्तों, अगर आप जो है अपनी वेबसाइट का डायमेंशन सेट कर लेते हैं, मीन्स के अपने जो लोगो का जो है वो पिक्सल सेट करके, डायमेंशन सेट करके जो काम करते हैं, तो आपको लोगो को क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं हो और बहुत अच्छा लगेगा आपका लोगो अपनी वेबसाइट पे। तो इसके लिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं अपने URL के हिसाब से उसे सेट कर लीजिए। तो हम अभी डेमो के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम यहाँ से दे देते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आप कैनवा की वेबसाइट पे साइन अप नहीं हुए तो साइन अप कर लीजिए, फ्री में है और काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप इसमें यूट्यूब के थंबनेल और काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो ये इस पर आप लॉगिन कर लीजिए और ये मैंने जो साइज़ यहाँ से इंसर्ट किया वो साइज़ पर आप लोगों क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ से टेक्स्ट में मैंने क्लिक की है। टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप एड एडिंग पर क्लिक कर दीजिए।
दोस्तों यहाँ से आप चाहे तो कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना जो भी है डिज़ाइनिंग का काम वो पूरी तरह से यहाँ से फ्री में आप कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा लोगो बना लिया है और अब मैं इसे जो है डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर देंगे। दोस्तों यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन है वो आपको सेट कर लेना है पिक्सल में, और उसके बाद जो बैकग्राउंड है उससे आपको प्लेन ही रखना है, इसके वाइट ही रखना है, क्योंकि हम जब भी अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा बैकग्राउंड इमेजेस है, यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है, तो हमारा जो लोगो है वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ से जो बैकग्राउंड है उसे वाइट ही रहने देते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, पीएनजी में हम डाउनलोड कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है और अब जो है हम हमारी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिलेक्ट लोगो और यहाँ से सिलेक्ट फाइल, या फिर आप जो है इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी फाइल को, यहाँ से सिलेक्ट। अगर आपने लोगो का जो डायमेंशन सेट नहीं किया तो आपके पास यहाँ पे जो है वो क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ से क्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन हमने जो है डायमेंशन सेट करके रखा था तो हमें कोई क्रॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्किप क्रॉप कर देते हैं और यहाँ से जो है हमारे लोगो जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा लोगो अपलोड हो चुका है और ये जो टाइटल है उसे हम हटा देते हैं यहाँ से, हाइड साइट टाइटल, और यहाँ से हाइड साइट टैगलाइन, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा जो है लोगो यहाँ से बन चुका है। और दोस्तों यहाँ से हम जो है अपनी साइट का नाम जो है दे देते हैं, वर्डप्रेस। और आप चाहे तो अपनी वेबसाइट का टैगलाइन भी दे सकते हैं, टैगलाइन आप जो चाहे वो दे सकते हैं। इन दो ऑप्शन को आपको हाइड कर देना है, अपने लोगों को जो है यहाँ से आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है और आप यहाँ से पब्लिश करके देख सकते हैं आपका लोगो जो है फ्रंट एंड में कैसा दिखेगा। तो यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देख सकते हैं दोस्तों ये आपका लोगो यहाँ से एक डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ से जो लोगो अपना बनाया था वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से सेट हो चुका है। हमने वाइट बैकग्राउंड इसीलिए रखा था क्योंकि ये पेज का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है, इसलिए हमने यहाँ से वाइट चूज़ कर लिया था। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना एक यूनिक लोगो बना सकते हैं, जैसे आपकी डिज़ाइन की प्रैक्टिस होगी वैसे आप अच्छा लोगो क्रिएट कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइनिंग करने का काम आगे भी और ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो है आपको लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो को आप देखते रहिए और हम जो है अपने डिज़ाइन का काम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।